गुड मॉर्निंग गाइस, अब है अभी है 11 बजे संडे 14th ऑफ जून। आज ये है कि देखिए मैंने इंडियन ड्रेस प्रेस पहन के साथ झज के बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे एक वीडियो शूट करनी है मेरी आयुर्वेदा के लिए। सुबह से मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए, बट नहीं कर पा रही क्योंकि लेआ और रॉक्सी मेरे पीछे पीछे हमेशा दौड़ के आते हैं। जहाँ ही मैं जाती हूँ वहाँ ही ये दोनों चले आते हैं, तो अभी तक कर नहीं पाई। तो अभी मैं एक वीडियो शूट कर, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे बाहर आज, क्योंकि आज संडे है। आज शाम को पापा, लेआ के पापा, मेरे हस्बैंड टूर में जाएंगे ऑफिस से। टूर क्या कहते हैं, बिजनेस टूर, घूमने के लिए बिजनेस टूर में जाएंगे आज। तो मैं, हम लोगों ने कहा कि चलो हाँ ले आ, फिर आपको 2-3 दिनों से नहीं देखेंगे हम, मैं भी नहीं, तो हम कहीं आज बाहर जाएं। तो अभी हम लोग मेरी वीडियो जल्दी जल्दी शूट करके हम लोग बाहर जाएंगे, तो आप हमारे साथ चलिए, लेट्स गो। और एक बात मैं भूल गई हूँ, देखो मैंने आज सुबह से सच के बैठी हूँ, ये ऐसे मैं सचती हूँ। और कल जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जो वियोलेटा ने बनाया था, तो कितना डिफरेंस है। मुझे ये लुक पसंद है, थोड़ा ब्राइट, मेरे आँख मुझे बहुत पसंद है जो करने के लिए। तो कल के मेकअप ओके चलो अच्छा था, वो डिसेंट था, ठीक था, बट मुझे ये पसंद है। आपके, आप कमेंट करके बताओ कि मैं गलत हूँ राइट हूँ। तो अब अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छे लगेंगे सुनने में, जो भी हो ना, तो मैं भी कुछ सीख सकूंगी, तो प्लीज डू इट। देखो देखो मुझे काम ही नहीं करने दे रही है यार ये मॉन्स्टर बेबी मेरी। किसी को चाहिए लेके जाओ प्लीज, पर आवर ओ घंटे में के होते हैं ना, कभी कभी बेबी के शौक होते हैं, घंटे में मैं उसे ऐसे ही क्या कहते हैं रेंट में दूंगी। सुबह से इतना तंग कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा भी काम नहीं करने दे रहे हैं। जहां जाती हूँ मेरे पीछे पीछे दौड़ के आते हैं। लियो पीछे मामा फिर गाइन मामा के आस्ते दो। थैंक यू मामा। চলো আমরা জামা জুতো পরে নেবো মা, চলো বলো। ये हम दोनों की हर सुबह रिचुअल है कि लिया हमें टैबलेट देते हैं, मैं लिया को देती हूँ ना। और देखिए हम लोगों ने फिर स्वेटर पहन के जा रही हूँ बाहर, कितने मौसम खराब है। पर आज तो एक्चुअली मौसम अच्छे होने के बाद थे, बट फिर भी कितना डार्क है। अब भी देखोगे आप, हम लोग अभी बाहर जाएंगे देखना, और ठंड हवा भी बहुत दे रहे हैं। तो या है ना मैम, तो चलिए हम लोग जाते हैं। अब कैसे लिया कह रहे मैं खा लिया ठीक ना, चलो तो चलिए हम लोगों के साथ चलिए बाहर जाते हैं। लिया देखी ताई लिया जी, देखिए मैंने कहा था ना मौसम बिल्कुल अच्छे नहीं है, देखिए कितना डार्क है। अब और न्यूज़ में एक्चुअली था आज मौसम अच्छे होंगे, बट कोई धूप ही नहीं है आज। चांसेस देखिए जो गाड़ी सामने से आ रहे हैं सभी की हेडलाइट ऑन है, ये दिन का टाइम है फिर भी यहाँ पे हेडलाइट ऑन है, ये यहाँ के रूल्स हैं। क्योंकि होते हैं कभी कभी लोगों को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते या कुछ भी, कोई प्रॉब्लम है तो ये हेडलाइट हमेशा ऑन होना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये हमारे टैक्स कंसल्टिंग के ऑफिस है, तो हमें टैक्स के पेपर जमा कराना है, इसलिए हम यहाँ पे पेपर देके फिर हम लंच में जाएंगे।
सो अभी हम आए हैं फ्रैंकफर्ट होस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टर्किश रेस्टोरेंट है, वो हम लोग वहाँ पे लंच करेंगे। तो हमने यह गाड़ी पार्क किया, तो यहाँ पे हमें अभी टिकट खरीदना पड़ेंगे। वो ज़ाशा टिकट खरीदने गए हैं, उसके बाद हम टिकट लगाएंगे, फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। बेबी यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ते हैं। ये साइन दिख रहा है पार्किंग के लिए, फिर यहाँ से वो आए हैं हमारे टिकट। सो हम लोग यहाँ खाना खाने आए हैं, ये है टर्की रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे है। इतना टेस्टी खाना है, वाओ, सारे कुछ लगा के रखे हैं, ग्रिल करेंगे। ये है आयरा, ये डिजर्ट सारे। मेनू कार्ड देखिए कितने अच्छे हैं, वो खाने के फोटो वगैरह करके रखे हैं, इतना टेस्टी। यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट कितना फुल है, कोरोना की कोई जगह ही दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी को कोरोना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये है आयरन, ये लस्सी सॉल्ट की तरह ही कह सकते हैं, बट ये ऊपर जो है ये शाम, ये बहुत टेस्टी है। ये लोग फ्रेश बनाते हैं हाथ से, ऐसे कुछ घूम घूम के, ताकि ये ऊपर जो ये है ना ये आ जाए, ये बहुत टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा लस्सी सॉल्ट के तरह लगते हैं, लगते हैं खाने में। देखिए हमारे खाना आ गए हैं, ये अदाना कबाब, सलाद, सॉस, ग्रेवी, बहुत टेस्टी है। मैंने बहुत बार ये खाना, मुझे हमेशा यही पसंद है और यही ऑर्डर करती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड के कोफ्ता और लिया के, तो ये है लिया के खाना। इतने खाना कौन खा पाते हैं बताइए हमें। ये है टर्किश टी, ये हमेशा खाने के बाद टर्की में खाते हैं, पीते हैं, तो यहाँ पे भी हमेशा खाने के बाद वो लोग पूछते हैं आप ये चाय पियोगे कि नहीं, तो हमने ऑर्डर किया। अभी हमारे डिजायर भी आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माँ की बोलो क्या होगा, खूब मजा आता है।
आज ब्लू इतना ड्रामा करती है। Und? Gut? Lecker? Gut? देखिए 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 कितना नॉटी है इससे। ये है डिजर्ट, देखिए और ये चीज के कोई टर्किश डिजर्ट है, मुझे पता नहीं है कैसे है बट ओके ट्राई करते हैं। खाओ विल नो कोकन खाओ सोज इट्स आउट। तो इसमें सिर्फ नूडल की तरह दिखते, देखिए मैं दिखाती हूँ ये घुमा के। देखिए चीज के लिए ऐसे हो रहे हैं। टेस्टी है। पता है मुझे लग रहा है कि इसके अंदर शिमोई है। शिमोई हम इंडिया में नहीं मिलते, वो भी बनाते हैं हम, तो उसके अंदर लग रहे हैं देखने में और खाने में भी थोड़ा सा लग रहा है। और उसके फिर उसके ऊपर चीज़ है, शुगर सिरप है। एक बात शेयर करनी है, अभी हम जब खा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे इतना मोटा मत बनाओ, मैं आपके पास ही रहूंगी, मोटा बनाने की जरूरत नहीं। पहले सोचा कि ये बात मैं आपसे कहूँ। तुम काबे तुम काबे ना काबे ना मिस्टी मिस्टी मामा मिस्टी खाओ के देखो ले। आपको नहीं खाना है बट उसे पता ही नहीं कि ये स्वीट है। अगर उसे पता चलते तो वो मेरे लिए छोड़ते नहीं है, खुद ही खा लेते हैं। ले मिस्टी के देखो देखिए अब भी खाना है इसे। टेस्ट लगे है और देखो बैठ गए है खाना। ओके मां वो देख रही है खत्म हो गया। लिया को आज बिल देना है, वो चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अनुष्कू ओके क्या तुम देखो छो ओके फोटो है ना, बहुत ही खूबसूरत फोटो है। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत जो फोटोज हैं, और ये जगह सबसे अच्छी है सारे खाने। और ये है ग्रिल, यहाँ पे वो लोग ग्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे वो है हमारी क्लाइंट है छोटी सी प्रिंसेस। हम लोग अभी जाएंगे, खाना बहुत अच्छा था, अब भी घर की तरफ जाएंगे। बाबा फर्स्ट स्टेज भी बहुत अच्छी है, एक पार्क के पास ही है वो रेस्टोरेंट। थोड़ा सा फुल है ये एरिया, ये टर्की एरिया है, बहुत सारे टर्किश रहते हैं यहाँ पे। जर्मनी में फुटबॉल बहुत फेमस है, तो ये एक शॉप है जहाँ आप
ये सारे कुछ खरीद सकते हो फुटबॉल के। जब फुटबॉल के गेम होते हैं, फुटबॉल की टूर्नामेंट, तो ये सब लोग खरीद के, जो फैंस होते हैं ना, वो ये खरीद के स्टेडियम पे जाते हैं। लिया बहुत टायर्ड हो गए हैं, अब भी सो जाएंगे गाड़ी पे ही। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बट अभी बहुत नींद आ रही है। ये है हमारे हाईवे, लेकिन देखिए दोनों तरफ कितने पौधा है, कितना ग्रीन है, इतने अच्छे है जगह, तो जाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ से। वो गाना गा रही है, वो देखते हैं एक फुक्स तू हस्ती कंस कस्टोलन गिप्सी वीडा है, वो उसकी फेवरेट है ना, तो वो गाना गा रही है उसकी। जंच कमते पापा बाटे बाइटे फुक्स तू हस्ती कंस कस्टोलन गिप्सी वीडा है वीड। रात को जब वो सोने जाते हैं, मुझे यही स्टोरी उसे सुनाना पड़ते हैं। एक बस आस्तन फॉक्स शट, फॉक्स को क्या कहते हैं, या फॉक्स, फॉक्स सारे म्यूजिशियन को लेके बाहर आई हूँ। एक तरफ मेरे हस्बैंड गाना गा रही है, दूसरी तरफ मेरी बेटी गाना गा रही है। गाइस, मेरे हस्बैंड को फेसबुक में वो कुछ फेसबुक कह रहे, वो मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ नहीं करते क्योंकि उसे लैंग्वेज नहीं आते वो वगैरह वगैरह, तो वो उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, कमर में दर्द है, पैर में, नी में प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे आज प्रॉमिस किया अगर मैं उसे ठीक कर दूंगी तो वो मेरे साथ यूट्यूब चैनल करेंगे। देखती हूँ वो प्रॉमिस रखते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, कितना ग्रीन है चारों तरफ, बहुत अच्छे हैं। वो जो घर दिखाई, वो जो ब्लैक वाला क्या कहते हैं प्लॉट दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे रास्ते पे ही पड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जर्मनी की फर्स्ट जगह है जो लाइफ क्वालिटी सबसे अच्छी है फैमिली के साथ रहने के लिए। देखिए ये हमारे रास्ते हैं, हम लोग जो घर जा रहे हैं, ये सारे घर जो है ये खुद के प्राइवेट घर है, ये सब लोगों ने खरीदा है। यहाँ पे एक एक घर की कीमत बहुत, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, 1 मिलियन 2 मिलियन के घर है ये सारे। और ये देखिए हम जाएंगे अंदर हमारे घर।
घर की तरफ। ये हमारे नेबर है, ये हमारे घर है, तो पता ही है आपको। और सामने जो फील्ड दिखाई दे रहा है वहाँ हम जाते हैं वॉक करने के लिए रॉक्सी के साथ। कम मम्मी, कम कम कम, बस रॉक्सी शाट्स, बस बस रॉक्सी, रॉक्सी बस लिया, रॉक्सी शाची बस लिया, बस लिया, होल लिया, होल लिया शाची, होमा लिया, होमा लिया, रॉक्सी कम लिया, कम लिया, बिगिन चुस्मा। ये देखिए मेरी गार्डन की कितने सुंदर हुआ है। ये देखिए लिया क्या कर रही है, मुझे कह रहे मामा मैं काम कर रही हूँ आप जाओ। मेरे हस्बैंड फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं ना, और टीवी में अभी फुटबॉल हो रहे हैं। लिया समझ रहे हैं कि वो कंप्यूटर में जो प्ले होते हैं उसे कंट्रोलर देके करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसके काजिन को देखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, लिया ने अभी पापा को भी कहा कि पापा मेरे साथ आप कंप्यूटर करो प्लीज़। हम लोग ने आपको आपके साथ आज लंच शेयर किया, फिर घर पे आए तो थोड़ा बिजी थे क्योंकि जाशा को आज बिजनेस टूर पे जाना था, तो थोड़ा बहुत पैकिंग ये वगैरह वगैरह थोड़ा सा तो टाइम नहीं मिला है। अभी हम लोग सोने जाएंगे, लिया के कल सुबह किंडरगार्टन है या मामा, और नेक्स्ट वीक अजूम कल से नेक्स्ट वीक है ना, उसे 3 दिन किंडरगार्टन है, 3 दिन। मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता नहीं कि मैं कितने खुश हूँ 3 दिन जब लिया किंडरगार्टन जाएंगे। वो कह रहा है कि वो पेस्ट उसे बहुत टेस्टी लग रही है, मैंने कहा ये दांत मांजने के लिए आपके। तो हम आपको अभी बाय बोलते हैं, आपसे फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट बीबी, गुड नाइट बोलेगा ना ऐसा, गुड नाइट बोलो तुम्हें, बोलो सी यू टुमारो, बोलो सी यू टुमारो। Bye bye. Ada kusi di no? Nak ma? Bye. Good night. Sweet dream. Bye bye.